हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ चुकी हूँ दोबारा से बहुत देर के बाद, एंड आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ टेक्सचर पेंटिंग विद सुपर क्ले। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो लोग सीमेंट से करते हैं टेक्सचर पेंटिंग, रेजिन से, लेकिन हम करेंगे सुपर क्ले के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, मैं करूँगी इस मिनी कैनवस के ऊपर अपनी पेंटिंग। सो आज का हमारा ये चैलेंज स्टार्ट होता है, लेट द गेम बिगिन। इसको मैंने ऑलरेडी जैसो के साथ प्रेप कर लिया था, एंड नाउ अब मैं सुपर क्ले लेती हूँ और हम अपनी टेक्सचर पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास ढेर सारी सुपर क्लेज हैं, आई लव सुपर क्लेज। सो मैं सोची थी क्यों ना इसको ओशन थीम का बनाया जाए, क्योंकि ओशन थीम ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखूँगी। और अभी मैं आपसे अपना आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पेंसिल ले लूँगी, जिससे मैं एक रफ स्केच ड्रॉ कर लूँगी, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्ले फिल करेंगे। सो ये मैं जो लाइन ड्रॉ की है, हाफ में वेव्स ऐड करूँगी एंड हाफ में मैं सैंड ऐड करूँगी। और मेरा आइडिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। और इसमें हमें सुपर क्ले भी बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए, 2 से 3 पैकेट। सो सबसे पहले मैंने एक सुपर क्ले ले लिया है, ये थोड़ी सी लाइट ब्लू टाइप की है। सो गाइस, फटाफट से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, एंड नाउ हम इसे थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। एंड नाउ गाइस, मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। सो मेरा आइडिया यही है कि मैं एक पैक से ही जो है वेव्स बनाऊँ। अब वो कैसे, अब मैंने जैसे कि इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब एक पार्ट को मैं करूँगी डार्क, एक पार्ट को मैं करूँगी मीडियम, एंड एक पार्ट को हम करेंगे लाइट। सो सबसे पहले डार्क करने के लिए मैंने इस छोटे से पार्ट क्ले के पार्ट के अंदर डार्क ब्लू एक्रेलिक पेंट डाला है, एंड ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ये डार्क कलर हो जाएगा। सो गाइस, हमारा गोला बन जाएगा, तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दें। एंड नाउ लाइट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सिल्वर कलर। आप लोग वाइट यूज़ करना, मैंने सिल्वर इसलिए ऐड किया था कि वो थोड़ा सा सिल्वरी सा, ग्लिटरी सा टेक्सचर हो, अच्छा लगे। लेकिन ये मिक्स ही नहीं हो रहा था, बट मैंने फिर बाद में थोड़ा सा वाइट भी मिक्स कर दिया था, ऑल्दो ये वर्क करेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, लाइट, डार्क एंड डार्कर, हमने ये 3 शेड्स रेडी कर लिए हैं। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसे अपने कैनवस पे लगाना। सो गाइज, मेरा आइडिया ये है कि सबसे पहले मैं डार्क कलर लगाऊंगी, एंड देन उससे लाइट, एंड देन सबसे लाइट। एंड मैं इसे वाटर के साथ फिक्स करी जाने, जिससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। एंड आपने इसे अच्छे से लगाना है, और ना तो आपने नीचे कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत है, और ये खुद ब खुद अपने आप ही स्टिक हो जाएगी, बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी स्टिकी थी, तो मुझे ना ग्लू लगाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। और पानी भी सिर्फ ना ऊपर ऊपर लगाई थी, जिससे सरफेस हमारा स्मूथ हो जाए और वेव्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं रोज़ रोज़ तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए वीक में सिर्फ संडे को मेरी वीडियो आएंगी, तो सो बी रेडी। और मैं 2 वीक से इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि गाइस मेरे एग्ज़ाम्स थे। एंड नाउ गाइस, ये मैं लाइट ब्राउन टाइप सैंड कलर की सुपर क्ले यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं सैंड बनाऊँगी। एंड ये वाली सुपर क्ले का पैक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, क्या ही बताऊँ गाइस। एंड नाउ गाइस, अब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, जिससे ये थोड़ी सी थिन हो जाए, एंड मुझे इसे लगाने में बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल ना आए। एंड गाइस, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड नाउ मैं इसे स्मूथली अप्लाई कर दूँगी अपने कैनवस के ऊपर, एंड ये लगानी थोड़ी सी मुश्किल थी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एंड गाइस, आपको जून से वीडियोज़ देखना अच्छी लगती हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी कैनवस पेंटिंग डन हो गई है, एंड ये बहुत अच्छी लग रही है। एंड नाउ मैं डार्क ब्राउन यूज़ करके कलर, सो सैंड के अंदर तो उसे टेक्सचर ऐड करूँगी, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना डार्क ब्राउन का यूज़ करके तो सैंड के बॉर्डर्स को हल्का हल्का हाईलाइट किया जाए, जिससे ये थोड़ा सा रियल लगे। सो अभी मैं डार्क ब्राउन क्ले को लाइट ब्राउन क्ले, आई मीन सैंड के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी, एंड बॉर्डर्स बना दिए मैंने थोड़ी थोड़ी से लाइट लाइट से, जिससे बिल्कुल एकदम रियल फीलिंग आए। एंड इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एंड नाउ अब मैं आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसमें थोड़ी सी लेयरिंग्स ऐड करूँगी, लाइक थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करूँगी, जिससे ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। एंड गाइस, हमें अपने वाटर में तो ज़्यादा वेव्स ऐड करने हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा
अच्छे लगे। एंड सैंड में भी हमें टेक्सचर ऐड करना है जिससे ये लगे कि ये सैंड है। सो अभी मैं इसे अच्छे से स्टिक के साथ टेक्सचर ऐड कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। एंड ये कुछ ऐसा लग रहा था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड अभी मैं इसके सूखने का वेट करती हूँ। एंड नाउ सूखने के बाद मैं एक्रेलिक मार्कर यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्लू। एंड इस एक्रेलिक मार्कर की हेल्प से एंड नाउ मैं इसकी हेल्प से अच्छे से इसमें टेक्सचर ऐड करूँगी जिससे ये बिल्कुल एक रियल फीलिंग दे, एकदम प्यारा लगे। आपको कैमरे में अच्छे से नज़र तो नहीं आ रहा होगा बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड नाउ मैं वार्निश यूज़ कर रही हूँ, ब्लू बर्ड का ग्लॉस वार्निश, जिससे मेरी पेंटिंग कभी भी ना ख़राब हो। एंड ये इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी लग रही थी फाइनल लुक, फटाफट से मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया ब्लश की हेल्प से और ये बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था सच में। आप लोग भी ट्राई करना, मैंने इसलिए फुल ट्यूटोरियल दिया है टू जेड। सो अच्छे से वार्निश अप्लाई करने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया एंड ये है इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, इतना रियलिस्टिक फील हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था टेक्सचर आर्ट पेंटिंग और इतना मैंने अच्छा बनाया एंड मैंने इसे यहाँ पर हैंग कर दिया। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।